वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। और सबसे कहते हैं व्लॉग में हमेशा एकदम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। और अगर मज़े में नहीं होंगे तो हमारा व्लॉग दिखे तो आप लोगों ने मज़े में आ ही जाना है। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। बड़े प्यारे प्यारे से मज़ेदार सा व्लॉग लेकर आई हूँ आज आपके लिए। आप लोगों की ही फरमाइश पर व्लॉग बनाया है और बड़ी मेहनत करी आप लोगों की फरमाइश पूरी करने के लिए ना, हम बहुत दूर गए हैं, बहुत दूर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाते हैं एक अदद मेरे हस्बैंड। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे जैसे हम मजे में। और यहाँ पर आ जाती है एक अदद मेरी बेटी प्यारी सी नखरीली। और यहाँ पर आयशा का जो है पुत्था सुजा हुआ है, थोड़ा सा मुंह बना है। क्यों बना है ये नहीं पता, बस मुंह बना है। क्योंकि जब वो इतनी चुप चुप होती ना तो इसका मतलब ये है कि आयशा का मुंह बना है, मूड ऑफ है। और यहाँ पर आ जाता है एक अदद अब्दुल रफी, इतनी बड़ी जमा लेते हुए। क्या अच्छा होने वाला है ब्लॉग में? अच्छा मतलब ये नहीं पता क्या अच्छा होने वाला है, बस ब्लॉग अच्छा होने वाला है। तो बस आप लोग मान जाएं ब्लॉग अच्छा होने वाला है, बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। तो अगर आपने मज़ेदार सा अच्छा सा ब्लॉग इंजॉय करना है तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करना पड़ेगी। तो चले मैं थोड़ा बहुत बता ही देती हूँ। काफ़ी सारे फ्रेंड कह रहे थे कि सभा आपका पुराना वाला घर सिकंदम वाली हूँ, पकड़े मेरा हाथ ना दुख गया पकड़े पकड़े। तो ऐसे तो काफ़ी सारे फ्रेंड कह रहे थे सभा आपका जो पुराना वाला घर है कहाँ है, कैसा है, आपने कभी शेयर नहीं करा। वैसे तो मैं पहले जब वहाँ रहती तो बड़ा मैंने शेयर किया, हाँ यही है, मैं जब से यहाँ आई तो मैंने शेयर नहीं करा। तो काफ़ी सारे जो मेरे न्यू यूट्यूब पे आए हैं, यूट्यूब नई न्यू मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली जो बनी है न्यू, तो उनको नहीं पता था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं और जो है वहाँ का भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं कि हम कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे और अब उस घर का क्या हाल है, अब कैसा हो गया है। तो मैंने सोचा चलते हैं और फिर सिर्फ सोचा ही नहीं, फिर मैं चली भी गई। जैसे मैं आपको लेके जा रही हूँ तो पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे जो कुछ गेस्ट आए हैं उनसे मिलवाते हैं, फिर आपको लेके चलते हैं हम वहाँ। तो चले आज है मेरे साथ। वालेकुम जी, आज बड़ी खुश हैं ये, बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी खुशी की वजह क्या है सिकंदर, आप शेयर करेंगे या आप खुद शेयर करेंगे? मैं भी शेयर कर देती हूं, सिकंदर भाई भी शेयर कर रहे हैं, ऐसी कौन। चलें थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं कि आपकी खुशी की वजह क्या है। जी मैं थोड़ी सी कामयाब हो गई हूं, लेकिन पूरी नहीं हुई, हो जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस वो दिन करीब है, वो दिन करीब है जिस दिन आपको पता चल जाएगा जी मेरी पेमेंट मिल गई है। जी तो आपको इतना टाइम नहीं है, बस थोड़ा सा ही टाइम है। तो मैंने कहा चलो मुबारकबाद आपको अभी से देते हैं। मेहनत की है मेरे साथ जो है ना, इसको मैं बहुत दुआएं देती हूँ, हर चीज में जो ना मेरे साथ साथ रही है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई कि आपकी माशाल्लाह यूट्यूब पेमेंट आने वाली है और ये गुड न्यूज जल्दी से देने वाली है। और ये तकरीबन अभी मार्च में आई थी ना जब आपने सेलिब्रेशन की थी मोनेटाइजेशन की, और माशाल्लाह अब है जून स्टार्ट और माशाल्लाह इनकी हो सकता है जून में ही सैलरी आ जाए, है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ पर सिकंदर भी बड़ा खुश है, जब कोई कामयाब होता है ना इंसान को इतनी मेहनत करता है, उसको जब पैसे आते हैं तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो इंसान का मेहनत करता है इसलिए, इसलिए तो मेहनत करता है कि कुछ कमा सके चला सके, चैनल मेहनत करने की वजह ही होती है और अपने बच्चों को पाल सके। और इस टाइम जितनी भी मेरी बहनें हैं ना, जो भी मुझे देख रही हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। और इस टाइम जो है नौरीन एक किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। खैर नौरीन आप ही, क्योंकि मुझे याद है पहले किसी ने कहा था कि नौरीन को आप नौरीन नाम ना लिया करें, तो इसलिए नौरीन आप ही। ठीक है, इस टाइम नौरीन आप ही, हाँ तो इस टाइम नौरीन आप ही जो है किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही, क्योंकि इनकी आंखें जो है ना रेड रेड चमक रही है। वो आप वीडियो में देखिएगा ये क्या हो रहा है। हाँ यही तो कह रही, वीडियो में देखिएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। और इस टाइम हमारे मेहमान आए और उनके साथ सेन हो गया, उनको गर्मी में बैठना पड़ा। भाई ये जो है ना इसमें हमारा कसूर भी कुछ नहीं है, ये हमारा वजीर आजम है ना। बस उनको भी नेकी की दुआ। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बस लाइट जाने लगी है और सारा सारा दिन ये लाइट के ड्रामे रहते हैं। हर जगह पे ना जो हम बिल भी पे कर रहे हैं, बड़े गरीब लोग फिर भी हम पे कर रहे हैं, फिर भी लाइट चली जाती है। ये रोना तो है, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, सबके साथ है। खैर अल्लाह हिम्मत दे, हम लोग हम यही कहेंगे कि अल्लाह हमें हिम्मत दे बर्दाश्त करने की। हर टाइम नौरीन आपी का हाल बहुत बुरा हो रहा है गर्मी में। चूँकि अपने पुराने घर में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सब आप पहले कहाँ रहती थी, कहाँ अक्सर आप जिक्र करती हैं तो कहाँ रहती थी, वो जगह हमें देखनी है या आप हमें बताएं। तो वैसे तो मैंने अपनी वीडियोस में शेयर की हुई है वो जगह, लेकिन आज जो है मैं आपको पर्सनली आकर दिखाती हूँ कि मैं कहाँ रहती थी,
किस जगह रहती थी, ठीक है। तो वैसे तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकूँगी मैं, क्योंकि मगरिब होने वाली है, मुझे निकलना पाक्यू घूम से, मैं इस जगह से निकल गए। मगर यहाँ की जो हालात हैं आप देखें, घर के कितने ज़्यादा ख़राब है कि दीवार अपनी जगह ही छोड़ दी दीवार ने, बस अल्लाह के आसरे टिकी हुई है, वरना तो मुझे तो कोई जगह दिखनी थी जहाँ से ये बचे। ये पूरी गिरे हुई है, ये देखें यहाँ से ही पूरी गिरे हुई है। ये पूरा ऐसा तो किसी काम का ही नहीं, कभी भी ये गिर सकता है और इससे नुकसान भी हो सकता है कोई भी। यहाँ पर देखें ये जो वॉल है ना इमोशनल, ये यहाँ पर इतनी बुरी तरह से बिल्कुल अलग हो गई है, कभी भी गिर जाएगी। तो अंदर से टूर शुअर तो मैं नहीं करा सकती क्योंकि अंदर तो मैं जाऊंगी ही नहीं, लेकिन ये कि बाहर से ही आपको दिखाती हूँ कि ये हालत हो गई इस घर की, और मैं यहाँ रहती थी। ये हमारा पुराना हाउस, और ये आंटी भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से होंगे? हम भी खैरियत से हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को तंदुरुस्ती दे, सेहत अता फरमाए, आमीन। आप लोगों को खुशी अल्लाह नसीब करे, आमीन। हमेशा खुश रहो, मेरी दुआ है कि इतना ढेर सारी दुआएं मैं करती रहती हूँ सबके लिए, आमीन। और आबाद रखे, खुश रखे। और आंटी सर आप बताओ, आपको इससे डर कितना लगने लगा है? आंटी को इस वॉल से बहुत डर लगने लगा है। नहीं, यहाँ से गुजरती हैं तो ऐसे लगता है कि ये गिरेगी मेरी। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ इतना डर की वजह क्या है। देखें ये वाली जो है ना, यहाँ से ये बिल्कुल अलग हो के, ये ऐसे हो के यहाँ से, और यहाँ से देखें कितना ज़्यादा गैप आ गया है। तो ये वाकई बहुत ख़तरनाक हो गई है, तो इसीलिए जो है सबको डर लगता है। अब ये है कि इसको खुद ही से जो है ना पकड़ के गिराना पड़ेगा। इधर हो जा। हाँ नहीं, नहीं नहीं, दूर हो गई जी। तो आ गए आप लोग मेरा व्लॉग इंजॉय कर। तो बस अब मैं भी जो है घर आ चुकी हूँ, बहुत जगह घूम घाम के बहुत सारे काम निपटाते हुए घर आ चुकी हूँ। मैंने कहा जब तक आप लोग ने व्लॉग भी मेरा इंजॉय कर लिया होगा, तो बस आज तक की हमारी वीडियो यहीं तक थी, थोड़ी सी थी पर बड़ी मज़ेदार सी थी। पता है, पता है, आप लोग नहीं बताएंगे, आप लोग नहीं बताएंगे, पर मुझे पता है बड़ी मज़ेदार सी थी। हाँ जी, तो उम्मीद करती हूँ हमारा जो गरीब खाना है, जो हमारा छोटा सा घर था, वो काफ़ी लोगों को पसंद आया होगा। मैंने होम टूर नहीं करा सकी क्योंकि घर इतना डेंजर है कि मैं अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन बाहर से दिखाया मैंने आपको, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स से पूछ रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो मज़ा है ना ताज़ी हवा का, कहीं नहीं है। सीरियसली वहाँ पे जो ताज़ी हवा का मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। लाइट की टेंशन ही नहीं है वहाँ पर, खुली ताज़ी हवा आती है। लाइट की टेंशन होती है ना जब होती है, जब मोबाइल चार्ज करना हो, मशीन आने के, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन है ही नहीं, पता नहीं क्या बोलते बोलते ना जबान थोड़ी सी मेरी हो जाती है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक हमें इजाज़त, अपनी ढेर सारी दुआओं में जैसे आप हमेशा याद रखना, इस तरह याद रखिएगा। तो जी अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने भूलना नहीं क्योंकि मैंने ना इस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया, बिल्कुल फ्री है, फ्री है, आप लोगों के लिए मैंने फ्री करा हुआ है। तो लास्ट भी आपने कहना भूलना नहीं, अल्लाह हाफिज़।